हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है विंडो के पासवर्ड है वो क्रैक कैसे करें। कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है, जैसे हम लोग कोई भी अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते हैं उसमें बहुत बार क्या करते हैं, पासवर्ड चेंज कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है जिसके अंदर हम लोग पीसी के अंदर पासवर्ड तो सेट कर देते हैं लेकिन हम लोग उस पासवर्ड को भूल जाते हैं कि पासवर्ड क्या लगाया था। तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप यदि अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1 और विंडो 10 के यदि आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आप विदाउट डाटा लूज के आप अपने डाटा का भी बिल्कुल भी खतरा नहीं है, आप अपने डेटा को भी काफ़ी सेफ तरीके से पासवर्ड है वो रिमूव कर सकते हो। और वैसे तो रिमूव आप विंडो चेंज करके भी कर सकते हो, लेकिन जब आप विंडो चेंज करोगे तब आपके जो सी ड्राइव के अंदर जितने भी डेटा है वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप विंडो सिस्टम में पासवर्ड को क्रैक करके नया पासवर्ड है वो क्रिएट कर सकते हो। कैसे, तो इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को बीच में स्किप न करें। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज करते हैं और बहुत बार एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसके अंदर वो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के पासवर्ड है वो भूल जाते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए स्क्रीन के ऊपर और आपको दिखाते हैं आपको क्या करना है। जो सबसे पहला स्टेप है वो सबसे पहले तो आपके पास एक पेन ड्राइव होनी चाहिए और उस पेन ड्राइव के अंदर जिस विंडो को आप पासवर्ड क्रैक कर रहे हो वो विंडो उसके अंदर ब्यूटेबल होना चाहिए। तो विंडो को पेन ड्राइव के अंदर ब्यूटेबल कैसे बनाएं उसके लिए भी मेरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो जाके चेक कर लीजिए कि पेन ड्राइव को ब्यूटेबल कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आप वो पेन ड्राइव को ब्यूटेबल बना सकते हो। और यदि आपको पेन ड्राइव को ब्यूटेबल बनाना आता है तो और भी अच्छी बात है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी बार क्या हो जाता है, हम लोग अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर पासवर्ड लगा के भूल जाते हैं और हम लोग विंडो बिना विदाउट विंडो चेंज किए हुए उसको है वो ओपन करना चाहते हैं ताकि अपने जो ज़रूरी डेटा है वो लॉस्ट न हो। उसके लिए आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को है ध्यान से देखिए और आप बहुत ही ईजी तरीके से समझ जाओगे। जैसे सपोज ये मेरा पीसी है, इसके अंदर पासवर्ड लगे हुए हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार पासवर्ड लगा के। और सपोज़ मैं ये भूल गया हूँ तो द पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, ट्राई अगेन। ठीक है, तब आपको क्या करना है, एक पेन ड्राइव है उसको आपको क्या करना है, ब्यूटेबल बनाना है। ये मेरा पेन ड्राइव है वो पहले से ही क्या है, ब्यूटेबल बनाया हुआ है। ये पेन ड्राइव मैंने पहले से ही ब्यूटेबल बना के रखा है, तो आप भी एक पेन ड्राइव को ब्यूटेबल बना लें। यदि आप विंडोज 7 के पासवर्ड क्रैक कर रहे हो तो 7 का बना लें, और 8 का कर रहे हो तो 8 का बना लें, और 10 का कर रहे हो तो पेन ड्राइव में विंडो 10 का जो विंडो है उसे ब्यूटेबल बना लें। तो आप देखिए हम लोग पासवर्ड है वो कैसे क्रैक करते हैं। सबसे पहले आपको करना है अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर आपको उस पेन ड्राइव को इंसर्ट करना है USB के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप आपका वो आपको यहाँ पे आके उस कंप्यूटर को क्या करना है, रीस्टार्ट करना है। तो रीस्टार्ट अलाउ कर देता हूँ। जैसे ही आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप रीस्टार्ट के ऑन होता है तब जो ब्यूटेबल वाला फंक्शन की होता है उसमें आपको F11 दबाए हुए रखना है। तो मैं F11 है वो दबाता हूँ। जैसे ही F11 दबाऊंगा तब मेरे पास है वो ब्यूटेबल सेटिंग है वो ऑन हो जाएगी। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे सारे। तो अब इसके अंदर क्या है, मैंने जो पेन ड्राइव लगाया है वो सेंडिक्स का है, तो ये रहा, ये पेन ड्राइव क्या है, ब्यूटेबल बनाया हुआ है मेरा पहले से। अब मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ उस पर लॉक के ऑप्शन पे। अब विंडो वो स्टार्ट हो रहा है। वैसे पासवर्ड क्रैक करने के लिए बहुत सारे वर्जन आते हैं लेकिन वो पेड होते हैं, लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ दोस्तों वो बिल्कुल फ्री है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे है वो क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रिपेयर योर कंप्यूटर, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है।
जैसे ही आप रिपेयर योर कंप्यूटर पर क्लिक करोगे तब आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बीच में ये जो टूल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आपको एडवांस ऑप्शन के अंदर ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको क्या करना है कमांड के अंदर जाके क्लिक करना है। तो यहाँ आपके तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मैं जैसे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मुझे फॉलो करिए। आपको सबसे पहले वहाँ पे टाइप करना है सी और कॉम जो डबल कॉमा लगा के इंटर करना है। उसके बाद में आपको टाइप करना है सी डी विंडोज़, मीनिंग का ध्यान रखना, बिल्कुल गलती मत करना। उसके बाद आपको टाइप करना है सी डी सिस्टम्स 32 टाइप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको लिखना है कॉपी यूटिलमैन ईएक्स एक्स। उसके बाद आपको वापस लिखना है यूटिलमैन डॉट exe। तो ध्यान रहे मीनिंग का है वो विशेष ध्यान रखना। तो मैं जैसे देखो आप टाइप कर रहा हूँ तो आप मेरे ध्यान रखना, स्क्रीन पे देख लेना, स्क्रीन पे मैं वैसे अलग भी दे रहा हूँ। और आपको इंटर दबाना है, जैसे ही आप इंटर दबाओगे तो आपके पास है वो 32 विंडो सिस्टम में वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको टाइप करना है कॉपी cmd डॉट exe। उसके बाद वापस लिखना है cmd1.exe और आपको इंटर करना है। उसके बाद आपको फिर से एक कमांड देनी है, ध्यान रहे मीनिंग का है वो विशेष ध्यान रखना, बिल्कुल थोड़ी बहुत भी गलती कर दी आपने तो पूरा का पूरा सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आपको मैं पहले बता दूं मेरे वाले में आपको ये जो सिस्टम कैन नॉट फाइंड बता रहा है, यानी मैंने एक बार है वो पहले ही पासवर्ड है वो रीसेट किया हुआ है इसलिए बता रहा है। तो आपको ये सेम ही सिस्टम करना है, मैं अब 1 की जगह 2 लिखूँगा तो आपको है वो 1 की जगह 2 नहीं लिखना है दोस्तों, इस बात का आप विशेष ध्यान रखोगे। मैं यहाँ पे 2 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बार पहले ही मेरे कंप्यूटर के पासवर्ड है वो रीसेट किए हैं इसीलिए मैं वापस वहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है ये बात ध्यान रहे। और उसके बाद आपको जो सिस्टम है वो टाइप करना है, तो ध्यान से सुनते रहिए और स्टेप बाय स्टेप है वो देखते रहिए। उसके बाद आपको टाइप करना है डिलीट यूटिलमैन डॉट exe। ध्यान रहे यूटिलमैन मैंने इसीलिए लिखा है, ऊपर यूटिलमैन है तो सेम टू सेम आपको वैसा का वैसा ही लिखना है। और आपको क्या करना है और लिखना है रीनेम cmd डॉट exe स्पेस, और उसके बाद आप लिखोगे utilman डॉट exe। और आपको क्या करना है उसके बाद इंटर है वो दबा देना है। जैसे ही आप इंटर दबाओगे फिर आपको एक और नई कमांड देनी है। तो ये दोस्तों सारा का सारा सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया, फिर आपको क्या करना है वहाँ से एग्जिट हो जाना है। और वहाँ से एग्जिट होने के बाद में आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसे आपको रीस्टार्ट करना है। तो आप जैसे ही अपने लैपटॉप को टर्न ऑफ करोगे यहाँ से तो वो आपका कंप्यूटर वो क्या हो जाएगा रीस्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है तब आपको यहाँ पे एक साइड में ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप देख रहे होंगे डिस्प्ले के अंदर, सेम उसी पे आपको है वो क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको एक कमांड देनी है, उसका विशेष ध्यान रखें, आपको यहाँ पे लिखना है कंट्रोल यूज़र पासवर्ड्स 2। तो इस पे जो मीनिंग का है वो विशेष ध्यान रखना और आपको क्या करना है इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करोगे तो आप देख रहे हो मेरा जो कंप्यूटर है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। आप चाहो तो पासवर्ड को यहाँ से रिमूव कर सकते हो, और यदि आप चाहते हो कि आपका जो पासवर्ड है
वो रीस्टार्ट करना है तो आप यहाँ से रीस्टार्ट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ से पासवर्ड है वो रीस्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने नए पासवर्ड है वो यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ, जो आपको नए पासवर्ड डालने हैं। तो आपको जो भी नया पासवर्ड है वो डालना है वो यहाँ पे डाल के, और आपको क्या करना है सिंपली जो नए पासवर्ड डाले हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे ओके कर देना है। और ओके करने के बाद में बहुत ही ईजी तरीके से आपके नए पासवर्ड है वो लग जाएंगे और आपको इसको यहाँ से कट कर देना है। तो अब दोस्तों जो मेरे नया पासवर्ड लगाया है वो पासवर्ड मैं यहाँ पे लगा के इसको खोलूँगा। तो देखिए मैंने जो नया पासवर्ड लगाया है वो लगा के मैं इसको खोल रहा हूँ और ओपन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है पर हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा उनको भी मिले। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। यदि वीडियो के अंदर आपके कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई है वो तुरंत दूंगा। तो आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वो ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।